कक्षा 12वीं में जिले के टॉप 10 की सूची में सौरभ दी एकेडमी पब्लिक स्कूल सेमरा की छात्रा ने किया नाम दर्ज। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार के अंतर्गत सौरभ दी एकेडमी पब्लिक स्कूल सेमरा की छात्रा रश्मि सिंह जिले में 10वां स्थान एवं विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिससे विद्यालय परिवार एवं रश्मि सिंह के परिवार में खुशियों का माहौल देखने को मिला। रश्मि सिंह के पिता जयप्रकाश सिंह एक कृषक हैं, माता उर्मिला देवी गृहिणी हैं। रश्मि सिंह आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हैं। विद्यालय के प्रबंधक कृपाल सिंह ने रश्मि सिंह को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही अन्य छात्र छात्राओं को रश्मि सिंह से प्रेरणा लेते हुए जिले में नहीं बल्कि प्रदेश में टॉप 10 की सूची में जाने का आह्वान किया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य रामसनेही सिंह ने मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए रश्मि सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उक्त अवसर पर सुमित कुमार सिंह, मुन्ना सिंह, अरुण सिंह, शशिकांत सिंह आदि विद्यालय के अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। क्राइम ब्यूरो चीफ संसार पाठक की रिपोर्ट। रश्मि जी कहाँ पढ़ती हैं आप? आपके अपने स्कूल का नाम बताइए। हमारे स्कूल का नाम सौरभ दी ग्रेट पब्लिक स्कूल सेमरा जी। अभी इंटर की परीक्षा हुई है माध्यमिक जी, 6% का आपका रिजल्ट आया है। इंटर की परीक्षा में आपने कितना नंबर पाया है? इंटर की परीक्षा मेरा 500 में से 421 है और प्रतिशत 84.20% है। जिले में स्थान भी लगा है जी। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान। और विद्यालय में पहला जी। इसका श्रेय आप किसको देंगी जो आप इतनी बड़ी उपलब्धि पाई हैं, जिले में 10वां स्थान आया है? इसका श्रेय हम अपने माता पिता, स्कूल एवं समस्त परिवार सभी लोग को देंगे जी। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामसनेह सिंह, मैं सौरभ द ग्रेट पब्लिक स्कूल सेमरा चुनार मिर्जापुर का प्रधानाचार्य हूँ। सर, आपके यहाँ एक रश्मि सिंह को एक कक्षा 12वीं की छात्रा ने टॉप 10 की सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है, ऐसे मौके पे आप उस बच्ची को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? मैं उस बच्ची को यही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि भविष्य में वो और आगे बढ़े और जो उनसे छोटे बच्चे हैं वो उनको प्रेरणा दे कि इस तरह से शिक्षा ग्रहण करें। सर, आपके यहाँ क्या इसके पूर्व में भी कुछ बच्चों ने जिले में स्थान पाया है? मैं हमारे यहाँ बच्चे तो पहली बार ये जिले में स्थान पाए थे, क्योंकि हमारी जो मान्यता है वो 2018 से ही हमको मिली है, तो ये पहला मौका है कि जो बच्चे ने हमारे इस अपार सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? ये जो पहला मौका मिला है जिले में, आपके विद्यालय का नाम चल रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है, इसको आप किसको श्रेय देंगे? श्रेय तो बच्चे में कुछ क्वालिटी होगी तभी ऐसा वो कर पाई है। हाँ, बच्चे में कुछ क्वालिटी होगी तभी वो ऐसा कर पाई है, बाकी तो आपके यहाँ का पूरा परिणाम 100% रहा है या कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं? नहीं, कुछ बच्चे फेल भी हुए हैं। उसका कारण क्या है? अब उसका कारण कुल मिलाकर के बच्चों ने सही ढंग से अध्ययन नहीं किया, बच्चों में नहीं कवर कर पाए। आगे की पढ़ाई में सर आपके विद्यालय का क्या रुझान रहेगा? बच्चों को क्या तैयारी कराएंगे, कैसी स्थिति पे आप ले जाना चाहते हैं? हम यही चाहेंगे अगले जो भी शिक्षा सत्र में चले वो अच्छा। धन्यवाद। मैं सौरभ दी ग्रेट अकेडमी पब्लिक स्कूल सेमरा से प्रबंधक बोल रहा हूँ। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृपाल सिंह है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे अभी आपके विद्यालय से माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षा परिणाम घोषित हुई है उसमें कक्षा 12वीं में एक लड़की है जिसका नाम है रश्मि सिंह, उसने 12वीं में टॉप 10 की सूची में अपना स्थान पाया है, 10वां स्थान, और आपके विद्यालय में प्रथम स्थान। ऐसे मौके पर जब ये आपको बात जानकारी में आई तो आपको कैसा महसूस हुआ? जब हम लोग को इस बात का पता लगा तो हमारा पूरा विद्यालय परिवार बड़े हर्ष में था और हम लोग उस बच्ची को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपने परिवार की तरफ से शुभाशीष भी दिए। सर, इस उपलब्धि का विद्यालय को जो उपलब्धि मिली है रश्मि सिंह द्वारा, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो श्रेय हम उस बच्ची को ही देंगे, क्योंकि हम लोग के द्वारा पढ़ाए गए, हमारे लोग के द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर वो परिश्रम की, आगे बढ़ी और उसके साथ साथ उसका सहयोग पूरा उसका परिवार किया। और हमारे जो अध्यापक थे मैं उनको भी कहूँगा कि वो भी बड़ा परिश्रम किए, बच्ची को उस तरह से तैयार किए। हालांकि हम लोग तो शिक्षा सभी को दिए लेकिन वो बच्ची अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने आप को जिले में अपना स्थान